भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीतिक दल सनातन को गाली दे रहे हैं, उनसे दूसरी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हमारा सनातन सबको जोड़ने और सबकी रक्षा करने वाला है। उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि इंडिया अलायंस में एक भी नेता ने सनातन विरोधी बयान की निंदा नहीं की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि कांग्रेसी कुशासन को मिटाने के संकल्प के साथ राजस्थान के चारों दिशाओं तक परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा राजस्थान में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का सबसे मजबूत कारण बनेगी। उन्होंने गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार की लाल डायरी से नींद हराम हो गई है। पेपर लीक का अड्डा बन चुका आरपीएससी में करोड़ों रुपए देकर सदस्य बनाए गए और वहां से पेपर लीक हुआ। तब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने साफ कर दिया था कि पेपर लीक के तार कांग्रेस के बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बचाया जा रहा है और छोटे आरोपी तो केवल मोहरा है। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, चुन्नीलाल गरासिया, संभाग प्रभारी प्रमोद सामर, उदयपुर जिला अध्यक्ष रविंद्र शुमारी, उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, विधायक फूल सिंह मीणा, उप महापौर पारस सिंह भी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ताराचंद जैन, नगर निकाय प्रकोष्ठ के संभागीय संयोजक नानालाल बया, यात्रा मीडिया प्रमुख कविराज सेठी, चंचल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने उदयपुर शहर से परिवर्तन यात्रा को रवाना किया।